कहाँ से शुरू करें? मैं एक्चुअली वो यहाँ सही लगे वो बताना पब्लिकली सही नहीं होगा. नहीं, बट आई थिंक इज अ ब्रदर बेसिकली टू मी एंड हिज फैमिली. एंड मेरी पहली फिल्म जो आई थी फ्रॉम सिडनी विद लव. जी जी जी, आप तो आप बोल दीजिए. जी जी जी, कैसा लग रहा है? आई थिंक वो मुझे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है. हम तो हमेशा से साथ हैं. जी जी, बट आई थिंक वही है कि एक तेरा साथी है. हाँ जी, नहीं वो बातें वो शेयर करने लायक नहीं है. जो बीच की बातें वो पब्लिकली नहीं बोल सकते. सॉरी, वो सब सिडनी बीच की बातें. हाँ, वो सब नहीं, बट आई थिंक वो टाइम निकाल के आए हैं. बहुत बड़ी बात है यार, बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा बोलना पड़ता है. थोड़ा बोलना पड़ता है, बट आई थिंक नहीं, आई थिंक अच्छा लगा कि वो आए. आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं. सो फाइनली थोड़ा लेट आए, बट ओके, मैं एक्सपेक्टेड था सबसे. बस ओके, आ गए सब लोग. थैंक्स यार, आई टू गिव इट बैक टू पीपल. नहीं, वो अच्छा लग रहा है कि सब लोग सपोर्ट करने आए हैं. और देखिए, बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ सब लोग देरी हो जाती है, ट्रैफिक जाम होता है, गणपति होते हैं, तो 11 दिन में भी होती है, हम लोग को क्या पता है. बट अच्छा है, चलो, मतलब जिनको आना था वो सभी आ चुके हैं. सो आई एम रियली हैप्पी. देखिए, मैं खुद हॉरर मूवीज देखता नहीं हूँ, बट मुझे करके अच्छा लगा, चूँकि ए स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी और चैलेंजिंग थी एज एन एक्टर. और आई थिंक इट वाज चैलेंजिंग इनफ ताकि मैं अपने 100% जो मेरा एक जो मेरा मार्क रहता है उसके ऊपर जाऊँ. टेलीविजन में तो आई थिंक 100% के ऊपर मैं काफ़ी 100% तक मैं काफ़ी गया हूँ. बट आई थिंक इस फिल्म में मुझे उसके ऊपर जाने का मौका मिला. पहली फिल्म में मौका मिला था, लेकिन वो थोड़ा चिल्ड आउट जोन था. डिफिकल्ट था कि मुझे टेलीविजन में 5 मिनट मिलते हैं सीन पढ़ने के लिए, और मुझे यहाँ पे 5 दिन मिले सीन पढ़ने के लिए. How did you prepare yourself? ये हॉरर मूवी है ना, तो आईना देख के प्रिपेयर करते थे. जितना आईना देखी उतना ज्यादा डर नहीं. देखिए, मैं इस फिल्म में मैं भूत नहीं हूँ, तो मुझे इतना प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी. बट हाँ, डेफिनेटली बहुत इंटेंस कैरेक्टर है, और कोशिश है कि जितना हमने किया है उसे, जितना हमने कोशिश की है, वो लोगों तक पहुँचे. देखिए, बहुत सारे लोग आए, आई थिंक टेलीविजन से बहुत सारे लोग आए हैं. और आई थिंक हमारे जो ही इज फैमिली टू मी, इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. और अच्छा लगा, लेट आए, मैं इनसे थोड़ा नाराज़ हूँ, बट अच्छा लगा कि आए. वो बहुत ज़रूरी था इनका आना, बिकॉज इनके ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं. और बस वही है कि हमेशा ये इनके ब्लेसिंग साथ में रहें. और बस फिल्म अच्छी बनी है, आप लोग देखिए, 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है. जी देखिए, पहली बात तो एक फिल्म में जो है 1:13:07 पे कुछ होता है. वो क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको देखना पड़ेगा. 1:13:07 जो नीचे लिखा हुआ है, वो चूँकि फिल्म में रोमांस बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है लव का बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंस है, तो वो हमने कहा 1:13:07, मतलब 1:13:07 और 1:13:07. तो उसके डबल मीनिंग है फिल्म के. देखिए, मैं ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, बट वो राजपूत है और उसका नाम है आदित्य प्रताप सिंह. काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स ही मुझे करने में मज़ा आता है. आई थिंक इन्होंने मेरा अब तक का मेरे 10 साल का जो मेरा करियर रहा है, इन्होंने बहुत मेरी चीज़ें देखी, बहुत मैंने बहुत शोज़ देखे हैं. मैंने अब तक 3 शोज़ किए हैं जिसमें मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए थे, बहुत ही अलग अलग थे, बहुत ही अलग टाइप के कैरेक्टर हैं. और मुझे लगता है ये 1:13:07 एक समथिंग चैलेंजिंग फॉर द शरद, मतलब बहुत ही अच्छा है. मतलब दुल्हन, फिर लव इन सिडनी, फिर महाराणा प्रताप, एंड देन कसम तेरे प्यार की, और एक नया ही अंदाज, नया ही रूप. मतलब उसने अपना +100 दिया है, वो पक्की बात है. 1:13:07 मूवी ने दिया ही है. अब अगर आप देखोगे तो मैंने तो देखी है, मतलब लाइक ए फैमिली मेंबर पहले देखी हुई है. मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि 1:13:07 मतलब कितना, मतलब लोगों को साथ देना है 1:13:07 को. जी, आप लोग सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ, मतलब 1:13:07 मतलब लोग सब साथ में रह के 1:13:07 देखे, बस मेरा यही कहना है.